Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about reflective teaching. हम डिस्कस कर रहे हैं NTUGC नेट पेपर एजुकेशन को रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो आपका यूनिट 7 का पार्ट है पैडागॉजी एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट उसका पार्ट है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है, इसके क्या एस्पेक्ट हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिख जाएंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उसको डिस्कस करेंगे. इसका PDF मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है. आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद PDFs मिल रहे हैं, तो अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए. वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं बताइए कमेंट सेक्शन में. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है. यूनिट 7 का पार्ट है फॉर NTUGC नेट पेपर एजुकेशन. चलो रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मैंने आपको टीचिंग लेवल्स बताए थे, लेवल ऑफ टीचिंग, तो वहीं से आप कंसर्न याद रखिए. सबसे पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिंग लेवल. रिफ्लेक्टिव लेवल जो है आपका वो अटमोस्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर है. तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या बताता है हमें कि इट्स अ प्रोसेस वेयर एजुकेटर थिंक्स अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है. जो आपका एजुकेटर है वो अपने बारे में सोच रहा है, हाउ ही टीच, हाउ पैडागॉजिकल स्किल्स कैसी हैं. रिफ्लेक्टिव टीचिंग में दैट मीन्स एजुकेटर अपने आप को ही असेस कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उसके बहुत तरीके हैं किस तरीके से किया जाता है, तो उन चीज़ों पर बात करेंगे. रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है वे एजुकेटर थिंक अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक. देखिए आप सब में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जो अपने आप को एनालाइज करते हैं तो वो कुछ कर भी जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक होती हैं या कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन आप सोचिए कि आप तो परफेक्ट हैं, आप टीचर हैं और आप परफेक्ट टीच कर रहे हैं, आपका हर काम जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है. एक्चुअली परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमें रेगुलर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम के साथ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू पैडागॉजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. पैडागॉजिकल स्किल्स दैट मीन्स हाउ यू टीच, हाउ यू टीचिंग स्किल्स, ठीक है. आपकी टीचिंग स्किल्स किस टाइप की हैं, और आप अपने आप को अगर परफेक्ट ट्रीट करेंगे तो फिर आप सोचेंगे कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बीइंग अ पर्सन आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाना होता है. आप ये सोचें कि आप गलत ही नहीं हो सकते, आप परफेक्ट हैं और आप में तो कोई गलती है ही नहीं, तो फिर आप रेगुलर मिस्टेक्स करेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कभी नहीं कर पाएंगे. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी उसी टीचिंग का आस्पेक्ट से आया है जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपने आप को देखते हैं. जिनको कुछ बेस्ट देना होता है अपना, तो वो रेगुलर अपने आप को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की या और अच्छा कैसे हो सकता है. लेकिन जो ये थिंकिंग एबिलिटी लेकर बैठे हैं कि आप तो बेस्ट ही दे रहे हैं, तो वो फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते. तो जो बेस्ट दे पाते हैं एक्चुअली में, वो क्या करते हैं कि अपने आप को असेस करते हैं. तो ये उस एस्पेक्ट पे है, मतलब ये उस टाइप की टीचिंग की बात कर रहा है जिसमें टीचर एजुकेटर खुद को ही असेस करेंगे, ठीक है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. तो कीवर्ड क्या है, सेल्फ असेसमेंट. कीवर्ड इज हियर इज सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचिंग वेयर एजुकेटर एग्जामिन द पैडागॉजी आर्टिकुलेट रीजन स्ट्रेंथ एंड देयर स्ट्रैटेजीज. उस पे काम करेगा कि क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है. हम जब नए टीचर बनते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में टीच करना स्टार्ट करते हैं, तब हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ जाते हैं एक तरीके से, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या हो सकता है. और जब एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाती है, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, रेगुलर आप टीचिंग सेशंस दे रहे हैं, तब हम क्यों आपकी टीचिंग बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज करने की. लेकिन अगर रेगुलर सेशंस में आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने स्टूडेंट को बेस्ट देना है, तो बेस्ट देने के लिए अपने आप को भी बेस्ट बनाना पड़ेगा. तो उसी चीज़ पे बात करता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग कि अनचेंजिंग. अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे. हमेशा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ नया कीजिए और कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये उस एस्पेक्ट की बात करता है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इन सर्विस एज वेल एज प्री सर्विस एजुकेशन, ठीक है. प्री सर्विस में भी और इन सर्विस में भी अप्रोचेज की बात की जाए जो इसका पार्ट है. सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, आपने सेल्फ असेसमेंट किया. टीचिंग इन्वेंट्रीज अब डिस्कस करेंगे, आप इन्वेंट्रीज बनाते हैं अपने आप के लिए. रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, हम जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं. टीचिंग पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो वर्ड आपको कहीं मिलेगा, दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग. पोर्टफोलियो आपको याद रखना है सेलिब्रिटीज का. सेलिब्रिटीज अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट और क्या काम है उनका. तो ऐसे ही टीचिंग पोर्टफोलियो के अपने आप को आप रेगुलर एस्पेक्ट में जज कर रहे हैं कि आपका क्या सिनेरियो है. देन पीयर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक. कई बार आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप्स, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स और आपको स्टूडेंट्स भी
फीडबैक देते हैं कि आपके टीचिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा चेंज को एक्सेप्ट कीजिए तो आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग की तरफ जाएंगे, आपकी टीचिंग में रिफ्लेक्शन दिखेगा, आपको जो आता है वो कंटेंट नॉलेज में मास्टरी होगी, आपकी जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें आप बेस्ट दे पाएंगे, हाउ टू टीच, व्हाट काइंड ऑफ मेथड यू हैव टू यूज, उन सब में आप सीख पाएंगे कुछ ना कुछ। अब जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुए थे, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, अगर कोई कहेगी हमें नहीं सीखना, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं है और हमें वी डोंट वॉन्ट टू चेंज आर पैडागॉजिकल स्किल्स, तो फिर वो सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप न्यू टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होंगे, ऑल्दो इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम होंगी कि न्यू टेक्नोलॉजी है कैसे शुरू करें, जब ई लर्निंग कंसेप्ट आया था और टीचर्स को विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो लर्निंग है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के साथ ई लर्निंग कंसेप्ट के साथ टीच करना है, तो कुछ ने बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन में ही मना कर दिया कि हम नहीं सीखेंगे, तो उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ। तो आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, ये है आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं अपने आप बारे में, अपनी टीचिंग के बारे में कि आप किस तरीके से टीच कर रहे हैं और कैसे आप अपनी पैडागॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन जर्नल्स, रिफ्लेक्शन जर्नल्स मतलब कि हेल्पफुल फ्रॉम अ रिफ्लेक्शन लेसन प्लान, आपने जस्ट टीच किया, प्री सर्विस में हम यूजुअली यूज करते हैं कि लेसन प्लान आपने जो टीच किया, इट अलाउज टीचर्स to find out details of their teaching directly after the class. जैसे ही क्लास खत्म हुई तो आपने देखा कि क्या मैंने टीच किया था, कैसे टीच किया था और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। The instructor writes throughout the days of lesson. वो अपने lessons को लिखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आई, कहाँ आपको दिक्कत हो रही थी explain करने में, तो उस पर काम करेंगे। तो ये reflection journals, जर्नल्स जब लेसन प्लान बनते हैं या आप एक्चुअल क्लासरूम में हैं और आप टीच कर रहे हैं, आफ्टर द क्लास आप देखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई और कैसे अच्छे से बता सकते थे स्टूडेंट को, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मोटिव फिक्स है कि आपने स्टूडेंट को बेस्ट देना है तो आप अपने आप में बेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव टीचिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब आप कुछ मेंटेन कर रहे हैं, कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे आपने बना लिया यहाँ पर स्ट्रांगली अग्री, अग्री नॉट, Neither agree or disagree, disagree, strongly disagree को आपने points दे दिए हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि inventories बना ली, ठीक है, points बना लिए, आपने peer group से भी fill करवा सकते हैं। Video recorded teaching practice, आपने video record किया और आपने अपनी teaching practice को judge किया खुद कि आपने कैसे teach किया, क्या क्या और अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो ये उस type का है। Then teaching portfolios, portfolio time consuming है obviously, more time intensive practice, आपको पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्टार्टिंग टू एंड जज करेंगे अपने आप को, अलाउ वेरियस कंपोनेंट्स, कुछ को हैबिट हो जाती है अपने आप को जज करने की और रेगुलर इंप्रूवमेंट करने की, तो वो फिर अपने बेस्ट की तरफ निकलते हैं। ऑफ देयर टीचिंग इनटू द होल प्रोसेस, टोटली अपनी टीचिंग को वो जज करते हैं। स्टूडेंट इवैल्यूएशन के बाद स्टूडेंट से हम इवैल्यूएशन लेते हैं कि स्टूडेंट भी बता देते हैं कि आप क्या टीच कर रहे हैं और कैसा। पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर मतलब ये आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं और आपको बताएंगे, या उनसे आप हेल्प लेना चाहें कि वो आपको ऑब्जर्व करें और बताएं कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट को ही हमने इवैल्यूएट नहीं करना, खुद को भी करना है, पर इवैल्यूएशन वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हम सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। ये प्रोसेस है, ये आपने ध्यान रखना है कि इट्स अ प्रोसेस जिसमें आप खुद को जज करने की कोशिश करते हैं बाई डिफरेंट मेथड्स, सेल्फ असेसमेंट, टीचिंग इन्वेंट्रीज, रिफ्लेक्शन जर्नल्स, टीचिंग पोर्टफोलियोज एंड पीयर ऑब्जर्वेशन फीडबैक, तो खुद को जज करने के लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और वन मिनट कंसेप्ट सीरीज में आपसे रेगुलर शेयर कर रही हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यू विल गेट दी मैराथन सेशंस ऑफ ईच यूनिट, आपको हर दिन एक यूनिट मिलेगी और कंप्लीट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उस मैराथन में, टोटल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो प्लीज़ आपने उसको भी देखना है और लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट JLF की प्रिपरेशन के लिए इज लर्निंग चैनल पे जितनी भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लीज़ आप देखिए, और रेगुलर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिल रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।